गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास टेंथ का पार्ट दो काव्य कंठिका पद तुलसीदास जी द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद बच्चों आपकी क्षितिज के काव्य खंड की किताब में है, तो इसका जो रचयिता है इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम तुलसीदास जी के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बांदापुर जिले के बांदा के राजापुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में हुआ था। बच्चों इनका जीवन काफी अभावों में बीता था, और देखिए आगे इन्होंने उसके बाद काफी सारी इन्होंने जो लिखे काफी सारे ग्रंथ लिखे हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें सबसे ज्यादा इन्हें जो प्रसिद्धि मिली है वो रामचरितमानस से, उसके बाद गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका आदि इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इन्हें मिली है रामचरितमानस से। तो इन्होंने अपना गुरु श्री राम को माना हुआ था। राम जी के आदर्शों पर ये चलते थे, राम जी इनके लिए एक आदर्श थे, तो राम जी के ऊपर इन्होंने लिखा है रामचरितमानस में। और इनकी जो भाषा थी बच्चों वो अवधि और ब्रज भाषा रही है, अवधि और ब्रज भाषा में हमेशा इन्होंने लिखा है। तो रामचरितमानस की जो इन्होंने रचना की है वो अवधि भाषा में हुई है, और बाकी इनकी बिना पत्रिका वगैरह ब्रज भाषा में है। और इनका जन्म बच्चों सन 1532 और देहांत हुआ इनका सन 1623 ईस्वी में। तो इन्होंने काफी अच्छे अच्छे उसमें राम जी के विषय में लिखा, राम जी के गुणों को बताया है, आदर्श रहे हैं राम जी इनके, क्या क्या उनमें गुण थे। तो अब जो हमारा पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, परशुराम संवाद, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप, बातचीत। तो राम जी के, लक्ष्मण जी के, परशुराम जी के मध्य जो बातचीत हुई उसका ही एक अंश है ये। ये रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया। रामचरितमानस मैंने आपको भी बताया कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है, तो उसके बालकांड से ये पद लिया गया है। उसमें क्या था बच्चों कि जब सीता के स्वयंवर के समय राम जी धनुष तोड़ देते हैं, धनुष भंग करते हैं, तब जब परशुराम जी को पता चलता है कि शिव जी का धनुष भंग हो गया है तो वो बहुत क्रोधित होते हैं। फिर वो वहां पर सभा में आते हैं, तो उस समय सभा के बीच में राम जी के, लक्ष्मण जी के और परशुराम जी के मध्य जो बातचीत होती है, जो वार्तालाप होती है, वो आपके इस पाठ में है। तो उसी को हम आइए पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, नाथ शंभु दोनों भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी क्रोध करते हुए सभा में आते हैं तो वो गुस्सा करते हैं, क्रोधित होते हैं कि कौन ऐसा है जिसने शिव के धनुष को तोड़ दिया, क्योंकि शिव जी उनके आराध्य थे, वो शिव के धनुष के प्रति उनकी बहुत श्रद्धा थी, तो उन्हें बहुत क्रोध आता है कि किसने शिव जी का धनुष तोड़ा। तो उनके वचनों को सुनकर राम जी उत्तर देते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहू एक दास तुम्हारा। कि हे नाथ, परशुराम जी को बोलते हैं, नाथ शंभु धनुष, शिव का धनुष भंज निहारा का अर्थ बच्चों तोड़ने वाला, कि शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई केवल एक दास तुम्हारा, आपका ही कोई दास, आपका ही कोई सेवक होगा। देखिए बच्चों, पहली पंक्ति में राम जी ने बोला कि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई सेवक होगा। आयसु कहा कहियो किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। अब यहाँ पे परशुराम जी क्रोधित होते हैं, बोलते हैं, सेवको सोजो करे सेवकाई, कि सेवक वो होता है जो सेवकाई यानी कि अपने स्वामी की, अपने प्रभु की सेवा करता है। आरी करनी करे करे लड़ाई, लेकिन जो दुश्मन होता है वो क्या करता है, वो लड़ाई करता है। सेवक जो होता है वो अपनी सेवा, अपने प्रभु की सेवकाई यानी कि सेवा करता है, और दुश्मन जो होता है लड़ाई करता है। सुनो राम जी शिव धनुष तोड़ा, इस पर फिर से परशुराम जी बोलते हैं, सुनो राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सोरी कुमोरा, वो सहस बाहु के समान, सहस बाहु परशुराम जी के शत्रु थे। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से सहसबाहु मेरा शत्रु है, शिव का धनुष तोड़ने वाला भी मेरा शत्रु होगा। रिपु का अर्थ होता है शत्रु के समान, सहसबाहु के समान वो मेरा शत्रु है। तो यहाँ देखो इस इन लाइनों में बच्चों यही बात हुई अभी तक कि राम जी बोलते हैं कि आपका ही कोई दास होगा जिसने शिव का धनुष तोड़ा है, लेकिन परशुराम जी क्रोधित होकर बोलते हैं
कि जो दास होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो प्रभु की सेवा करते हैं, अपने स्वामी की सेवा करते हैं, उनसे लड़ाई नहीं लेते, उनसे लड़ाई मोल नहीं लेते। लेकिन जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो यहाँ पर सहस बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। अब ये बोलते हैं कि जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वो खुद ही इस समाज से अलग हो जाए। बिलगांव का अर्थ होता है अलग होना, बिहाई समाजा इस समाज से, ये जो समाज है यहाँ से खुद ही अलग हो जाए, मतलब खुद सामने आ जाए। न तो मारे जाहिए सब राजा, नहीं तो जितने भी राजा हैं सब मारे जाएंगे, मैं सबका वध कर दूंगा अगर मुझे वो खुद नहीं बताता कि किसने शिव का धनुष तोड़ा है। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने, देखिए सुनी मुनि वचन, मुनि के वचन सुनकर लखन मुस्कुराते हैं। बोले परसु धर ही अवमाने, वो बोलते हैं कि परसु धर, ये जो परसु धारण किया, परसु का अर्थ होता है बच्चों फलशास्त्र होता है चलाने वाला, परसु धर ही अवमाने, अब जो मैं बोलूंगा अब इसमें इनका अपमान होगा। किसका? जिसने फरसा धारण किया, यानी कि परशुराम जी ने। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, तो यहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष छोड़े। बहु का अर्थ है बहु, बहुत सारे धनु ही, धनु ही होता है बच्चों छोटे धनुष, जब आप लोगों ने भी खेला होगा उससे बचपन में, छोटे छोटे धनुष थे हम लोग खेलते थे। तो ये बोलते हैं लक्ष्मण जी कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। लड़िकाई का अर्थ है बचपन में। कभू न असी रिस्किन ही गोसाई, लेकिन हमें कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा। जब हमने बचपन में इतने सारे धनुष तोड़े तो हमें कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। येहू धनु पर ममता कही तो ही, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी कैसी ममता है, इतनी ममता क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, तो सुनो रिसाई कह भृगुकुल केतु, यहाँ पे परशुराम जी को भृगुकुल केतु कहा है क्योंकि वो भृगु वंश के थे, तो भृगुकुल केतु यानी कि भृगु वंश का सेतु, केतु का अर्थ होता है यहाँ पे सेतु कुल। कि सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु कि आप बताएं हमें कि आपका इतना क्रोध क्यों हो रहा है, क्यों आपको इस धनुष से इतनी ममता है, जबकि मैंने बचपन में हमने खेल खेल में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। तो इस वाली पंक्तियों में यही कहा परशुराम जी ने, कहा कि वो खुद ही समाज से अलग हो जाए, नहीं तो यहाँ पे जितने राजा हैं सभी मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन, तो मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। फिर वो बोलते हैं कि अब मैं जो बातें वो बोलूंगा उनसे इनका अपमान होगा जिन्होंने फरसा धारण किया है। हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े हैं लेकिन हमें कभी किसी ने इस तरह से गुस्सा नहीं किया, उस पे क्रोध नहीं किया। यह धनु पर ममता कही तो ही, तो आपके इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है, हे भृगुकुल केतु आप हमें बताएं कि आपकी इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है। इसके बाद परशुराम जी कहते हैं रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। अब देखिए यहाँ पे नृप बालक, नृप का अर्थ होता है बच्चों राजा, बालक मतलब राजा का पुत्र। रे नृप बालक, ये राजा के पुत्र काल बस बोलत तो ही ना संभार, तो कालवश बोल रहा है मतलब ये है कि तेरा काल यानी कि तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है, इस वजह से तू इस तरह की बातें कर रहा है। तो ही ना संभाल कि तुझे अपने वचन पर अपनी बातों पर नियंत्रण नहीं है। धनु ही संत्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, धनु ही जैसे मैंने आपको भी बताया छोटे धनुष सम समानता, त्रिपुरारी धनु, त्रिपुरारी यानी शिव जी का धनुष, विदित सकल संसार कि क्या शिव का धनुष उस छोटी छोटी धनुष के समान है। ये सारा संसार जानता है कि शिव धनुष और उन धनुषों में धनु ही में बहुत फर्क होता है। तो यहाँ पर इस वाले दोहे में यही कहा परशुराम जी ने कि उनके लिए यह धनुष बहुत महत्वपूर्ण था इसलिए वो क्रोध में है। और अब उनके, अब देखिए बच्चों यहाँ पे लक्ष्मण जी और परशुराम जी के मध्य संवाद हो रहा है। अब दूसरे पद में देखिए लखन जी बोलते हैं लखन कहा हसी हमरे जाना, जब परशुराम जी ने ये बातें बताई तो लखन जी, लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा लखन कहा हसी हमरे जाना, कि लखन कहते हैं हंसते हुए हमरे जाना कि हमारे ज्ञान में, जाना करते बच्चों यहाँ पे ज्ञान में, हमारे ज्ञान में हमारी जानकारी में। सुनू देव सब धनुष समाना कि हे देव सुनो हमारी जानकारी में सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, का क्या क्षति नुकसान लाभ लाभ जून धन तोरे, यह है जून का अर्थ यहाँ पे है, यह है क्या क्षति और लाभ है अगर मैं इस धनुष को तोड़ दूंगा, इस धनुष को तोड़ के हमें क्या क्षति या क्या नुकसान या क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे, देखा राम नयन, यहाँ पे बच्चों नयन अनेकार्थी में आता है, नयन का अर्थ है यहाँ पे नया, श्री राम ने इस धनुष को नया समझ के देखा था।
छुअत टूट रघुपति न दोसु। रघुपति मतलब रघुपति कौन है, श्री राम जी का नाम है। छुअत टूट रघुपति न दोसु, ये छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करेउ कतरोसु, मुनि बिनु काज करेउ कतरोसु। हे मुनिवर, आप बिना वजह से ही रोष यानी कि गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा। अब देखो बच्चों, जब इतना सुन लिया लक्ष्मण जी के मुख से, जब परशुराम जी ने बातें सुनी तो उनका क्रोध बढ़ गया। बोले चित परसु की ओरा, तो वो बोलते हैं अपना परसु, अपना फास दिखाते हुए बोलते हैं, फरसा दिखाते हुए, रे सट सुनो स्वभाव न मोरा। रे सट, सट का अर्थ है बच्चों यहाँ पे मूर्ख। वो लक्ष्मण जी को बोलते हैं, हे मूर्ख सुनिए स्वभाव न मोरा, मुझे लगता है कि तूने मेरे स्वभाव के विषय में कभी सुना नहीं है। देखो एक बार फिर से बच्चों, लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, हमने जाना कि हमारे ज्ञान में सुनो देव सब धनुष समाना, कि सभी धनुष जो है एक समान है। काचति लाभो जन धनु तोड़े, कि इस धनुष को तोड़ने से क्या क्षति, क्या नुकसान या क्या लाभ होगा। देखा राम नयन के भोरे, राम ने इसे नया समझ के देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे उ कतरोसु, अब मुनिवर आप बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, तो क्रोध में भरकर परशुराम जी बोलते हैं, रे सर सुने स्वभाव न मोरा, कि हे मूर्ख तूने लगता है मेरे स्वभाव के विषय में नहीं सुना है। आगे की पंक्ति में देखिए परशुराम जी क्या कहते हैं। बालक बोली बधो नहीं तो ही, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जय जड़ जान ही मोही। वो कहते हैं कि तुझे अभी तक बालक समझकर मैंने तेरा वध, बधो का अर्थ है यहाँ पे बच्चों वध, मृत्यु नहीं की, कि तुझे अभी तक बालक समझकर मैंने तेरा अभी तक वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मुझे केवल साधारण या कोई मूर्ख मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही, विश्व विदित मतलब पूरे विश्व में ये विख्यात है, प्रसिद्ध है, क्षत्रिय कुल दोही, कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। क्षत्रिय जो होता है कुल होता है, वंश होता है, क्षत्रिय वंश का मैं पूरा शत्रु हूँ, द्रोही हूँ, उनसे पूरा बैर रखता हूँ। बाल ब्रह्मचारी हूँ, विश्व विदित यानी कि पूरा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ यानी कि शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्हे, ये कहते हैं मैंने कई बार भुजबल यानी कि अपने भुजाओं के बल पर भूमि को, भूप, भूप होता है बच्चों राजा, नृप, नृप का पर्यायवाची राजा का, भूप भूमि को, धरती को राजाओं से मुक्त किया। बिनु कीन्हे मतलब मैंने कई बार अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को, इस संसार को राजाओं से विजित कर दिया, कि राजाओं विहीन कर दिया, कि इस पर राजा नहीं रहे। विपुल बार मही देवनाह दीनि, और ये जो भूमि को राजाओं से विहीन करने का अर्थ है बच्चों, कि इन्होंने सारे क्षत्रिय जो यानी कि राजा होते हैं सभी को हरा कर अपने भुज बल से, और उनसे उनकी धरती को छीन लिया, सारी भूमि को छीन कर क्या किया, विपुल बार मही देवनाह दीनि, और ब्राह्मणों को वो दान में दे दी। सहस बाहु को छेद निहारा, परसु बिलो की महित कुमारा, कि देखो सहस्र बाहु जो इनका शत्रु था, परम शत्रु था, उसकी भुजाओं को काटने वाला परसु बिलो की महित कुमारा, कि हे राजा के पुत्र, ये जो फरसा है मेरा, ये सहस्र बाहु की भी, इसकी इससे मैंने सारी भुजाओं को काट दिया। सहस्र होता है बच्चों सहस्र यानी कि हजारों जो भुजाएं थी उसकी, उसे भी मैंने काट दिया, किससे, अपने इस फरसे से। तो इसमें यहाँ पर बच्चों परशुराम जी अपने विषय में लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि उन्होंने कई बार राजाओं को अपने से हराया है युद्ध में अपनी भुजाओं के बल पर, और उनसे उनकी धरती को छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। ये बाल ब्रह्मचारी हैं, सारा संसार जानता है, विश्व ये जानता है कि ये क्षत्रिय कुल के द्रोही है यानी कि शत्रु है। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि अभी तक तुझे मैं बच्चा समझकर, बालक समझकर मैंने तेरा वध नहीं किया, तू मुझे कोई साधारण मुनि मत समझ। इसमें इसके बाद परशुराम जी कहते हैं, मातु पितरी जनी सोच बस करसी महिष किशोर। यहाँ पे लक्ष्मण जी को वो बोलते हैं कि तुम अपने माता पिता को सोच वश कर दोगे यानी कि सोचने पर मजबूर कर दोगे, करसी महिष किशोर, महिष किशोर मतलब राजा के पुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच में डाल दोगे। क्यों? क्योंकि जब वो कहते हैं तुम्हारी मृत्यु होगी, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो वो शोक में आ जाएंगे, शोक में डाल दोगे। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरा जो ये परसु है, यहाँ पे देखिए फरसा है, मोर अति घोर, बहुत डरावना है, बहुत भयानक है,
गर्भन के अर्भक बना। ये कहते हैं कि गर्भ के अंदर भी जो बच्चा होता है ये परशु फरसा मात्र दिखाने से ही उसका वध हो जाता है, तो ये बहुत भयानक फरसा है, इसलिए तुम इससे डरो। यहाँ पर लक्ष्मण को डराना चाह रहे हैं ताकि वो अपना अपनी बातों को अपने व्यंग्य को बंद कर दे, बोलना बंद कर दे। तो इस वाले दोहे में देखिए बच्चों, बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। अब जब परशुराम जी उन्हें इतना डरा रहे थे, फरसे को बारे में बता रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे, इतने कठोर वचन उन्होंने बोले लक्ष्मण जी को, उसके बाद भी लक्ष्मण जी बिहसी यानी कि हंसते हुए उन्होंने लखनऊ बोले मृदुबानी, हंसते हुए बहुत मीठे वचनों में, मृदु होता है मीठे, मधुर वचनों में लक्ष्मण जी बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभट मानी, हे मुनिवर मैं तो आपको बहुत महान मानता हूँ, पुनी पुनी मोहि दिखाओ कुठारा, लेकिन आप बार बार, पुनी पुनी यानी कि बार बार, मोहि दिखाओ कुठारा, आप मुझे बार बार कुठार दिखाते हैं अपनी, दिखाओ कुठारा यानी कि अपना बार बार फरसा दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अब देखिए ये क्या कहते हैं कि आप मुझे बार बार अपना कुठार दिखाकर चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मतलब पहाड़ आप चाहते हैं कि फूक मार के आप पहाड़ को उड़ा दें, आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे जैसे कि कोई फूक से पहाड़ उड़ाना चाहता हो। यहाँ कुम्हड़ बतिया को ना ही, देखो यहाँ पे बच्चों बोला है लक्ष्मण जी ने कि हाँ कुम्हड़ बतिया को ना ही, कुम्हड़ बतिया बच्चों काशीफल सीताफल आपने नाम सुना है, इतना बड़ा सा होता है गोल सा, वो कहते हैं यहाँ पे लक्ष्मण जी कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़ बतिया नहीं है यानी कि सीताफल नहीं है, ये तर्जनी देखी मारी जाएगी, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर मर जाएगा। इसका अर्थ है बच्चों ये जो फल होता है सीताफल, जब ये फूल के बाद फल के रूप में बनना शुरू होता है तो बहुत कमजोर होता है, अगर उस पर हल्की सी उंगली भी लग जाए, कुछ भी छू जाए तो वो टूट के गिर जाता है। तो यहाँ पे यही लक्ष्मण जी ने कहा है कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को ना ही, जे तर्जनी देखी मरी जाए, यहाँ पे कोई भी कुम्हड़ बतिया का फल के समान नहीं है जो आपकी एक उंगली को देखने मात्र से मर जाएगा या डर जाएगा। देखी कुठार सरासन बाना, आपकी ये कुठार, अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपकी कुठार और आपके धनुष बाण को देखकर मैंने, मैं कछु कहा सही तभी माना, मैंने जो भी कहा अभी तक वो आपके धनुष और आपकी कुठार को देखकर अभिमान के साथ कहा। आगे लक्ष्मण जी बोलते हैं, भृगुसुत समुझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोर इस रोकी। देखिए भृगुसुत आपको भृगु वंश का समझकर, समझे जनेऊ बिलोकी आपके शरीर पर जनेऊ देखकर, जो कछु कहूँ सहोर इस रोकी आपको भृगुकुल का समझकर, भृगु वंश का समझकर, आपके गले में जनेऊ देखकर मैंने जो कुछ भी अभी तक कहा है अपने क्रोध को रोकते हुए कहा है। सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, क्यों कहा है ऐसा, क्यों रोका है मैंने क्रोध को, क्योंकि हमारे कुल में सुर महिसुर हरि जन अरुगाई, हमारे कुल इना पर न सुराई, सुर महिसुर हरि जन और गाय पर हमारे कुल में हाथ नहीं उठाते, सुर यानी कि देवताओं पर, महिसुर ब्राह्मण पर, हरिजन, हरिजन का अर्थ होता है बच्चों हरि यानी कि ईश्वर, जन भक्त, ईश्वर के भक्त पर और गाय पर, इन चारों पर हमारे कुल में हाथ नहीं उठाते, इन पर न सुराई, इसीलिए मैंने अभी तक जो कुछ भी आपको देखकर कहा है अपने क्रोध को संयम में रख के कहा है। बंधे पापु अब कीर्ति हारे, अगर हम आपसे हार जाते हैं क्षत्रिय, अगर हम लोग आपसे हार जाते हैं, ब्राह्मण से हार जाते हैं, तो भी हमारी बदनामी होगी, अब कीर्ति होगी, मारतु पाप अरे तुम्हारे, अब अगर तुम मुझे मारते हो तो मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, बंधे पापु अब कीर्ति तुम्हारे, लेकिन अगर मैं तुम पर हाथ उठाता हूँ तो मेरी अपकीर्ति यानी कि मेरी बदनामी होगी, अपमान होगा मेरे कुल का, मार तो पाप पर पाव तुम्हारे, लेकिन अगर तुम मुझे मारते हो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ता हूँ। यहाँ पे लक्ष्मण जी जिनसे परशुराम जी से बोल रहे हैं, इसके बाद कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, वो फिर बोलते हैं आगे, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुष मान तुम्हारा, तुम्हारे जो वचन है बहुत कठोर है, तुम्हारे जो वचन है, जो बातें तुमने बोली हैं, परशुराम जी को बोलते हैं कि तुमने जो बातें बोली हैं वो बहुत कठोर हैं, तुम्हारे वचन बहुत कठोर हैं, व्यर्थ धरो धनुष बाण कुठारा, तुमने व्यर्थ में ही धनुष बाण और कुठार धारण की हुई है, क्योंकि तुम्हारी बातें, तुम्हारे वचन ही बहुत बहुत सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों बाणों के समान है। जो भी लोग के अनुचित कहूँ छंभू महामुनि धीर, यहाँ पे फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अगर मैंने आपसे अभी भी कुछ गलत कहा हो तो
आप मुझे क्षमा करें, हे महामुनि आप मुझे क्षमा करें। सुनी सरोज भृंग भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। ये सारी बातें सुनकर भृगु वंश मणि, अभी आप समझ गए होंगे कि भृगु वंश होने की बात किसकी हो रही है, यानी कि परशुराम जी की, क्योंकि वो भृगु वंश के थे। बोले गिरा गंभीर, फिर वो गंभीर बोलते हैं गंभीर होकर। तो बच्चों अभी मैंने आपको ये तीन दोहे करवा दिए, इसके आगे के मैं आपको दूसरे चैप्टर में कराऊंगी, दूसरे पीरियड में अपने कराती हूँ, तब तक आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे। वैसे तो आपने सब पढ़ा हुआ, रिविजन चल रही है, फिर भी इसे अच्छी तरह समझें। आगे के जो दोहे हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी।